दोस्तों स्टूडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम के कुछ लेटेस्ट फीचर के बारे में। फर्स्ट जो है इसका डार्क मोड, मतलब अगर आप एंड्रॉयड 9 या उसके नीचे का कोई भी वर्जन आप यूज़ करते हो तो आप अपने फ़ोन में आसानी से इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड करके उसका डार्क मोड यूज़ कर सकते हो। और जो सेकेंड फीचर वो है इसका QR कोड का, मतलब अगर आप किसी का भी प्रोफाइल फॉलो करना चाहते हो तो जस्ट आपका अपना कैमरा ओपन करना है फ़ोन से और इस QR कोड को स्कैन करना है, फिर उसके बाद आपको उसकी प्रोफाइल दिख जाएगी, आप उसे डायरेक्टली जाके फॉलो भी कर सकते हो। मतलब आपको कोई सर्च करने की झंझट नहीं पड़ेगी, सिंपल से स्कैन करो और फॉलो करो। तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला किस तरीके से आप इस फीचर का यूज़ कर पाओगे, तो जाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और इस वीडियो में आप जानने वाले इंस्टाग्राम में किस तरीके से आप डार्क थीम या फिर डार्क मोड को कैसे इनेबल करोगे और जिसमें जो QR कोड है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। और भी उसमें ऑप्शन भी है, 3 टाइप के QR कोड आपको देखने को मिलेंगे। तो जस्ट आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने इंस्टाग्राम में जाना है, यहाँ पे प्रोफाइल वाला जो आइकन है यहाँ पे टैप करोगे, फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से देखेगा, यहाँ पे ऊपर 3 लाइन पे टैप करते ही QR कोड का ऑप्शन है यहाँ पे, तो जस्ट टैप कर लेना है। और उसके बाद आपको ये कलर वाला ऑप्शन है, मतलब कलर वाला QR कोड है, इसमें टैप करोगे स्क्रीन पे तो ये जो कलर इसके चेंज होते रहेंगे, तो जो भी कलर आपको अच्छा लगेगा तो आप उस कलर को यूज़ कर सकते हो। और या फिर अगर आप सेकंड ऑप्शन जो इसका, तो कलर वाले ऊपर ऑप्शन पे टैप करते ही इमोजीज का ऑप्शन शो होने लगता है और यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके की इमोजीज सेट कर सकते हो। तो जो आपको इमोजी अच्छा लगता है वो इमोजी एज अ बैकग्राउंड सेट कर लोगे, तो कुछ इस तरीके से आपके QR कोड के जस्ट पीछे बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट फीचर इसका वो सेल्फी का, जैसे आपको इमोजीज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है तो सेल्फी का ऑप्शन ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप टैप करोगे स्क्रीन पे तो डिफरेंट स्टिकर आपको दिखेंगे, मतलब आपका खुद का जो फेस है उसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बटन दिख जाएगा, तो हालांकि ये बटन वाइट की वजह से आपको दिखता नहीं है, तो वहाँ पे टैप करते कुछ इस तरीके से आपको देखेगा, मतलब जैसे आप इमोजीज कोई सेट करते हैं तो वैसे आप अपने खुद का फेस सेट कर सकते हो और यहाँ पे QR कोड आपको दिखेगा। तो रीटेक करके अगर आपको फिर से वापस से सेट करना है आपका फ़ोटो तो वो कर सकते हो, मतलब जो भी सेल्फी लेनी है। और जब आपको सब कुछ ठीक लगे तो आप इस जो भी इस QR कोड से आप शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, एक कलर का है, एक इमोजी और एक है सेल्फी। तो आप जस्ट आपको यहाँ पे स्कैन QR कोड पे क्लिक करोगे तो आप किसी और का स्कैन जो है, मतलब QR कोड स्कैन कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ ऐसे शो होगा आपका उसका प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके आप उसका प्रोफाइल भी देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि आप इसी का ही कैमरा यूज़ करो, आप कोई भी थर्ड पार्टी कैमरा यूज़ कर सकते हो जो QR कोड स्कैन करता है, फिर उसके बाद आपको इसे स्कैन कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको उसको प्रोफाइल शो होगा और उसके प्रोफाइल पे विजिट करके आप उसे फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा नहीं कि आप उसकी इंस्टाग्राम आईडी लो, सर्च करो, फिर उसे फॉलो करो, वो सब झंझट खत्म है, सीधे स्कैन करो और उसके बाद उसे फॉलो कर लो। तो अभी तक आपने मुझे फॉलो भी नहीं किया तो आप फॉलो भी कर सकते हो। और जो नेक्स्ट फीचर वो है डार्क मोड का, मतलब जो भी इसमें डार्क थीम है वो कैसे इनेबल करोगे। तो उसके लिए जैसे आपको क्या करना है, वापस से वहीं जाना है, 3 डॉट पर टच करते सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है यहाँ पे नीचे, और सेटिंग में जाते ही आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे थीम का ऑप्शन दिखेगा, थीम में आप यहाँ पे जाके डार्क को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सब कुछ आपका पूरा डार्क हो जाएगा। और जो डार्क का वो फ़ायदा ये है कि अगर आप कहीं, मतलब आप इंस्टाग्राम अपने डार्क इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम को नाइट में यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी इजी होगा, आपकी आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और आसानी से आप इसे यूज़ भी कर पाओगे। और डार्क मोड फीचर अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी जो बैटरी जो कंजम्पशन है आपके फ़ोन की वो थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जो लाइट है वो थोड़ा बंद हो जाता है, पूरा ब्लैक हो जाता है जिसके वजह से, और आपका जो इंस्टाग्राम है वो आराम से डार्क इन्वायरमेंट में भी चला सकते हो और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो ब्लू लाइट है वो कम्प्लीटली फिल्टर हो जाती है जो कि आपके आंखों के लिए हार्मफुल है। तो दोस्तों बस यही है इस वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ।